महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह अभिशाप है अर्थात लाड़ो अभियान अंतर्गत कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने शनिवार की दोपहर कलेक्ट्रेट परिसर से एक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ ग्रामीण अंचलों में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगा और ग्रामीण अंचलों में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने में मदद करेगा। महिला सशक्तिकरण की मुख्य अधिकारी ऋतुजा चौहान ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव में माता पिता अपने बच्चों का बाल विवाह कर देते हैं, जो अपने स्वास्थ्य के साथ तो खतरनाक होता ही है किंतु भविष्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा, यदि बाल विवाह करने व बाल विवाह कराने का समर्थन करने वाले पर प्रशासन के नियम अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी। यदि सशक्तिकरण अधिकारी के साथ महिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्रीमती प्रीति परमार उपस्थित रही। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। थोड़ी सी ऊपर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमारे इस बुंदेलखंड रीजन में बाल विवाह की घटनाएं बहुत होती हैं और ज़्यादातर कुछ ऐसी तिथियां हैं जिसमें बाल विवाह बहुत होता है। जैसे अभी हमारे नज़दीक आ रही है देवउठनी 11, तो इसको हम लोगों ने फोकस करते हुए एक जनजागरूकता अभियान चलाया है। बाल विवाह हम लोग हमेशा रोकते हैं, हम लोग एन मौके पर पहुँचते हैं। इस बार हमारा पूरा प्रयास ये है कि हम अपने इस तरीके के प्रचार तंत्र रखें, ऐसा एटमॉस्फेयर बिल्डिंग करें कि हम लोगों को बाल विवाह सर्वप्रथम तो न हो, और अगर हो तो हमारे पास उसकी पूर्व सूचना आ जाए। पुलिस के माध्यम से, हमारे शौर्य दलों के माध्यम से, चाइल्ड लाइन के माध्यम से हमने पूरे 3 हफ्ते का 21 तारीख तक का हम लोगों ने ऐसा एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम लोग जो है बाल विवाह को रोकने के लिए अलग अलग माध्यमों से, जैसे सेवा प्रदाता जितने होते हैं उनके माध्यम से उनकी अलग वर्कशॉप किया है हमने, दादी नानी जो कि घरों में बाल विवाह को ज़्यादा प्रोत्साहित करती हैं उनके लिए अलग हम लोगों ने एक वर्कशॉप रखा है। आज हम लोगों ने मीडिया वर्कशॉप किया ताकि हम लोग ये आज हम किक स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम का, तो हम उनके माध्यम से सबसे पहला वर्ड ऑफ माउथ भेज सकें। और दूसरा हम लोगों ने सबसे अंतिम किया है जो हमने पिछले सालों में देखा कि बहुत कारगर रहा, वो है नुक्कड़ नाटक। तो जो कि यहाँ की लोक बुंदेली भाषा है, जो यहाँ की लोकल डायलेक्ट है, उसके माध्यम से हम लोग नुक्कड़ नाटक भी सारे गाँव में कर रहे हैं और अपने शौर्य दलों को एक बार फिर से रिवाइव कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जो यंग गर्ल्स हैं और पेरेंट्स टीचर मीटिंग, सब जगह स्कूल्स खुल चुके हैं, हम लोगों ने मतलब 16-17 स्कूलों में अलग अलग जो विकास खंड हैं उनके संकुलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखा है ताकि हम लोग टीचर्स को भी एक प्रोत्साहित कर सकें, एक बार उनका ओरिएंटेशन कर सकें कि अगर कोई बच्ची अपनी जगह से मिस होती है, आना बंद कर देती है, कक्षा छोड़ देती है, तो हमें जानकारी मिले कि उसके साथ क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है वो बाल विवाह में चली गई है या वास्तव में वो अभी अपनी पढ़ाई सही तरीके से कंटिन्यू कर सके। ये हमारा पूरा इस बाल विवाह का लाडो अभियान का यहाँ का हमारा पूरा कार्यक्रम है। आमजन कैसे जुड़ सकते हैं? हम आमजन सबसे कारगर माध्यम जो कि अभी हम लोग मीडिया कार्यशाला में बोलते हैं 1098, मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी इस बात पर जितना जोर दिया जाए उतना कम है, 1098 एक टोल फ्री नंबर है और बाल विवाह को रोकने में महिला बाल विकास के साथ हमें बहुत उससे मदद मिलती है और कोई भी व्यक्ति उस पर कॉल कर सकता है। आपकी कोई भी हम आपका परिचय नहीं पूछते, आपकी जो जानकारी है उसको हम गुप्त ही रखते हैं और उसके माध्यम से हमारे पास दूर दराज ही कभी कभी फेक भी आती हैं, लेकिन हम इस पर बड़े खुश हैं ऐसे कि कम से कम लोग उसको पहचान रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास बाल विवाह की घोषणाएँ आती रहती हैं। इसके अलावा हमने जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, SDMs और DSPs, उनके माध्यम से एक हम लोगों ने निरोधक दस्ते भी बनाए हैं जिसमें CDPOs रहते हैं, वहाँ के SDOPs रहते हैं, जो SDMs हैं वो रहते हैं। अगर सूचना आए तो, अगर महिला बाल विकास का ऑफिस केंद्रीकृत टीकमगढ़ में है तो वहाँ दूर दराज के एरिया से भी हमारे पास सूचना आ जाए और हम तात्कालिक रूप से वहाँ पहुँच कर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।